थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बीती 22 जुलाई को रावतपाड़ा की तिवारी गली में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस डकैती में शामिल एक महिला सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने 8,50,000 रुपए की नकदी और तमंचा बरामद किया है। बीती 22 जुलाई को थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रावतपाड़ा के घने बाजार में उस समय सनसनी फैल गई थी, जब दिन दहाड़े बदमाशों ने कुरियर कंपनी की दुकान में घुसकर 40 लाख रुपए की डकैती कांड को अंजाम दिया और फरार हो गए। घटनाक्रम की जानकारी होते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसमें पुलिस ने तुरंत कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूरे मामले में बदमाशों का साथ देने वाले 5 अपराधियों को पकड़कर लूटे हुए 4 लाख रुपए बरामद किए थे। पकड़े गए अपराधियों की निशानदेही के आधार पर बीती रात पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में कैद चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। 22/7/2022 को थाना कोतवाली क्षेत्र में 40 लाख की लूट हुई थी। उसमें पूर्व में ही कुछ लोगों को जिनके पास पैसे बरामद हुए थे और वो इस घटना के प्लानिंग में इन्वॉल्व थे, उनको जेल भेजा गया था। लेकिन आज वो 4 मेन अभियुक्त जिसका सीसीटीवी फुटेज में जो आए थे, उन चारों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनके पास से कुल 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उनको जेल भेजा जा रहा है। फिर पुलिस ने उनके विस्तृत बयान जो उन्होंने दिया वो हमने नोट किया है और उसके आधार पे पैसे अभी भी बहुत बचे हुए हैं और उन्हें अलग अलग लोगों को दे रखा है। उसी के क्रम में पुलिस ने दबिश डालकर जो 4 अभियुक्त में 1 अभियुक्त है उनकी माँ के पास से भी बरामदगी की है और उनको भी जेल भेजा जा रहा है। कुल आज 5 अभियुक्तों को अभी जेल भेजा जा रहा है और आज की कुल बरामदगी 8,49,000 रुपये है और साथ में जो मेन अभियुक्त हैं उन सब के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। एसपी सिटी विकास कुमार के अनुसार पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो डकैती कांड में सीसीटीवी कैमरे में कैद नजर आ रहे हैं वे चारों अभियुक्त खंदौली क्षेत्र में कहीं छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दबिश डालकर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त दीपक की मां को भी गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 8.5 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने पूरे डकैती कांड में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर 12,49,000 रुपए बरामद कर लिए हैं, जबकि पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड आकाश 7 दिन बाद भी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस गंभीरता से छापेमार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।